71वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर विकास भवन में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ बड़े धूमधाम से गणतंत्र दिवस मनाया गया। इस अवसर पर सर्वप्रथम मुख्य विकास अधिकारी हर्षिता माथुर द्वारा झंडारोहण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। तत्पश्चात विभिन्न विद्यालयों में बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। मुख्य विकास अधिकारी हर्षिता माथुर ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों में प्रतिभाग करने वाले बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया। इस अवसर पर महिला कल्याण विभाग द्वारा हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया और लोगों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के प्रति जागरूक किया गया। महिला शक्ति केंद्र की टीम से महिला कल्याण अधिकारी तुहिना दास गुप्ता, जिला समन्वयक राशि कौशिक, जिला प्रमोशन अधिकारी सौरजीत सिंह के नेतृत्व में हस्ताक्षर अभियान को चलाया गया। इस संबंध में गोरखपुरी संवाददाता से बात करते हुए मुख्य विकास अधिकारी हर्षिता माथुर ने कहा,
हम ऐसे राष्ट्र के नागरिक हैं जहां इस पर्व को राष्ट्रीय पर्व के रूप में हम सभी के लिए मनाया जा रहा है। अभी आपके सामने एडी स्कूल की बच्चियां बहुत प्यारा गीत आगे की जनरेशन को देना चाहते हैं, जो हमने ऊपर से जनरेशन से सीखे उनको आगे बढ़ाएं और एक बहुत महत्वपूर्ण एकता का संदेश सभी को। मैम, इस अवसर पर बेटी बचाओ हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया है, इसमें क्या कहना चाहेंगे? इसके संबंध में ये कहना चाहूँगी कि क्योंकि एक राष्ट्रीय पर्व है और जैसा कि आप लोग जानते हैं अभी दो दिन पहले हम लोगों ने राष्ट्रीय बालिका दिवस भी मनाया था और ये हम लोगों की एक शीर्ष प्राथमिकता है। इसीलिए जब भी हम लोग कोई भी पर्व यहाँ पर मना रहे हैं तो प्रयास यही है कि उसी के माध्यम से हम एक अच्छा संदेश बालिकाओं के सशक्तिकरण, बालिकाओं के विकास के लिए भी दे पाएं। इसीलिए एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से संबंधित हस्ताक्षर अभियान भी यहाँ रखाया गया है, जिसमें कि आने वालों को एक अच्छा संदेश मिले और वो यहाँ से ले जाकर आगे अपने जिन लोगों से भी मिले उनको भी ये संदेश आगे दें।